तेरी माँ चंडाल चौकड़ी आती ही होगी। तो पापा आपने ऐसी औरत से शादी क्यों की? और लोगों की बीबी होती हैं, वो घर पे आती हैं, प्यार करती हैं, खाना वाना बनाती हैं, लेकिन एक आपकी बीबी है वो मारते मारते आपका फाड़ देती हैं कुर्ता और बना देती हैं भुर्ता। अरे नालायक मत याद दिला बातों को, नींद नहीं आती रातों को। मम्मी आते ही हुक्का मांगेंगी, जल्दी से चिलम भर दो। इसीलिए तो लाठी डंडे छुपाने को बोल रहा हूँ, मेरे से चिलम टूट गई है। अरे बुद्धिहीन आदमी, वो चिलम नहीं फूटी है, वो फूटी है तुम्हारी तकदीर, और अब खोपड़े फूटेंगे क्योंकि तुमने फोड़ के चिलम कर दिए जुलम। हे ऊपर वाले, ये कैसा नट हो गया, वो जालिम औरत मुझे मारने के लिए तरसती है, हिला देती है शरीर के सारे अंग जब दिखाती है अपना असली रंग। भूकंप आ गया, धरती हिल रही है, लगता है मम्मी आ गई है। अरे नहीं नालायक, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा कलेजा हिल रहा है अंदर से, जल्दी कोई आइडिया दे बचाने का। एक आइडिया है आपको बचाने का, लेकिन नाटक करना होगा। हाँ हाँ जल्दी बताओ, मैंने स्कूल में बहुत नाटक किए हैं, बताओ कौन से स्कूल में होना है नाटक, लेकिन पैसे नगद चाहिए हमको, बताते रहे। बस इसीलिए तुम लोग ऐसे मार खाते हो, तुम्हें बचने के लिए भूत आने का झूठा नाटक करना है, कोई रंगमंच पे प्रदर्शन नहीं करना है। उस डायन लुगाई से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो खड़े क्यों हो बुद्धिहीन आदमी, जल्दी से अपना हुलिया उल्टा सीधा कर लो, और ये थोबड़ा आड़ा टेढ़ा करो, और सकल पे 12 बजाओ, समझे? क्या चल रहा है, और मेरा हुक्का क्यों नहीं भरा अभी तक? मम्मी हुक्का कहाँ से भरे, चिलम चटक गई है इनके शुभ हाथों से। क्या तुमने चिलम चटका दी, अब तुम्हारी हड्डी चटकेगी पुतलू, इस घर में आज कोई डंडा नजर नहीं आ रहा। अब मार ससुरी, किससे मारेगी? निर्लज्ज आदमी, एक लपाड़ा मारूंगी तेरा फेफड़ा बाहर कर दूंगी, और तेरे गलफड़े उसको तो अलग से फाड़ूंगी। मम्मी इसमें इनकी गलती नहीं है, इन पर किसी का साया है। साया है या इस आदमी ने कुछ पड़ा हुआ खाया है? पता नहीं मम्मी। तो फिर ये कहाँ से आया है? माँ भूत प्रेत का कोई भरोसा नहीं है, मौका पाकर कहीं से भी घुस जाते हैं। फिर भी इस आदमी को सजा तो मिलनी है, डंडा किधर गया? मालूम नहीं मम्मी, अभी तो इधर ही था। अब मार ससुरी, मैंने बेलन चिमटा भी गायब कर दिए हैं। इसका भूत तो मैं उतारती हूँ। अब ये क्या करेगी, कोई नया हथियार मिल गया क्या? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। ओ नो। अबे ये क्या, इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था, मार पीट के मामले में बहुत नॉलेज है ससुरी को। बोलो बोलो, उतर गया शैतान सर पे से, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मम्मी इनके अंदर सचमुच भूत है। मैं एक चमत्कारी बाबा को जानती हूँ, लेकर चलो आज भूत उतार ही देती हूँ। मैं एक चमत्कारी बाबा को जानती हूँ, लेकर चलो आज भूत उतार ही देती हूँ। ए सुनो, यहाँ कोई चमत्कारी बाबा रहते हैं क्या? यहाँ तो दूर दूर तक कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। मकरंडी के तीन बाबा यहीं पास में ही है, और तू बोल रहा है कि दूर दूर तक कोई बाबा नहीं है, है? हाँ तो मैं सही बोल रहा था, मतलब कि दूर दूर तक कोई नहीं है, जो भी है यहीं पास में ही है। पूरी बात सुन लेती चुड़ैल। जय हो बलात्कारी बाबा की। क्या कहा मूर्ख, मैं तुझे अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर दूंगा। गलती हो गई बाबा, मेरा मतलब है कि जय हो चमत्कारी बाबा की। बेटा बाबा की छोटी तारीफ करो, क्योंकि बाबा तुम्हारे व्यवहार से नाराज हैं। बाबा आपको देखकर लगता है कि आपने 500 वर्ष की लंबी तपस्या की है। चुप नादान बालक, हम झूठी तारीफ के आदि नहीं है, हमारी उम्र खुद 80 वर्ष है। चुप, मैं करती हूँ तारीफ। बाबा आप तो बहुत पहुँचे हुए बाबा हो। हाँ बहुत पहुँचे हुए हैं हम नींद में भी कहीं भी पहुँच जाते हैं। अच्छा, अपनी योगा सीढ़ी से? नहीं मूर्ख, हमको नींद में चलने की बीमारी है। बाबा इनके अंदर भूत है, निकाल दो, आपके पास तो चमत्कारी शक्तियाँ है ना? हाँ इसीलिए तो हमें चमत्कारी बाबा कहते हैं, वरना नाम तो हमारा चुंड मुंड नरमुंड बाबा है। तो बाबा जल्दी से निकालो अंदर से, जो मांगोगे वो दूंगी। बता कौन है तू इसके अंदर, वरना भस्म कर दूंगा। अरे बाबा कोई नहीं है, नाटक कर रहा हूँ इससे बचने के लिए, कोई उपाय हो तो बताओ। अबे ढोलकी के, मेरे पास उपाय होता तो मैं बाबा क्यों बनता, जिक्र मत करना। अबे तो कुछ तो करो, अपना चेला ही बना लो। हाँ तेरी लुगाई को सबक सिखाने का एक उपाय है,
इसके अंदर का भूत निकालने के लिए इसकी पत्नी को दहकते हुए अंगारों पर चलना पड़ेगा, वरना ये भूत नहीं निकलेगा। बहुत अच्छे, अब आएगा कुछ मजा सा। क्या, मैं चलूंगी अंगारों पर, मैं। मैं चलूंगी अंगारों पर, मैं। हाँ। अबे यो तो मेरी वाले से भी खतरनाक है, यो कहाँ से मिल गई तुझे? जान प्यारी है तो मेरे